तीसरे क्वार्टर फाइनल शुरू होता हुआ टॉस का शिकार उछाला जा रहा है इसमें दो मजबूत टीमें ARG और अंबे क्लब ए और ARG अंबे क्लब ए शिकार उछाला गया। एलईडी की तरफ जो टीम है वो ARG ARG ने टॉस जीता है और चॉइस यहां पे क्वार्टर रखा है लीजिए और यहाँ पे तकनीकी रूप से पॉइंट अर्जित किया पूरा ध्यान है शिखर को चकमा दिया ARG की तरफ से एक पॉइंट बटोरा बहादुरगढ़ ने ARG के सामने ARG शिखर वर्सेज बहादुरगढ़ क्या बोनस का ट्राई किया है प्रयास तो किया था लेकिन पीछे रह गए थे और यहाँ पे एक और पॉइंट शिखर की झोली में बहुत ही शानदार चर्चित नाम है क्वार्टर फाइनल मैच इस समय बहादुरगढ़ की बहादुर पालिका यहाँ पे पॉइंट अर्जित करते हुए ARG शिखर वर्सेज बहादुरगढ़ आमने सामने है। कांटे की टक्कर इससे पहले वाले मैच में भी देखने को मिली थी और हर मैच बेहद रोमांचक देखना ना भूलें। नेशनल स्टाइल ओपन गर्ल्स कबड्डी 2023 आप सभी ऑडियंस का मैं हार्दिक की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार संपर्क करें क्या यह बोनस मिलेगा नहीं एक बार फिर से बहादुरगढ़ रेड पे बहादुर बालिकाएं बहादुरगढ़ की टीम में क्या यह पॉइंट मिलेगा नौ नंबर जर्सी को टच किया और पॉइंट अर्जित किया बहादुरगढ़ के गढ़ में एक और पॉइंट गर्ल्स कबड्डी की वानगी यहां देखते हैं एक बार फिर से थोड़ा सा रक्षात्मक रुख अपनाने की कोशिश कच करने का सफल प्रयास लक्ष्य तक पहुंचते हुए दो से तीन पॉइंट होंगे एक पॉइंट दिया गया है ऐसा लगा शायद दो पॉइंट है तन्नू चली है इस समय तन्नू धनखड़ जो कि धनखड़ उपराष्ट्रपति भी हैं महामहिम लेकिन यहाँ तन्नू अच्छा लांग लंबी लगाई चकमा दिया खूबसूरत रेड युवा बालिका द्वारा दो पॉइंट के साथ घर वापसी दूधिया रोशनी में इस समय पचलंगी जिला झुंझुनू राजस्थान में आयोजित ये नेशनल स्टाइल ओपन कबड्डी 2023 गर्ल्स कबड्डी आपको बता दें कल यहाँ पुरुष कबड्डी खेला जाएगा और यहाँ पे रनिंग टच पॉइंट अर्जित करता हुआ ARG शिखर क्या शिखर शिखर में जाएगा कहना मुश्किल है क्योंकि दो मजबूत टीमें हैं आमने सामने कोने कोने से पहुँचे हैं हिंदुस्तान की यहाँ टीमें हरियाणा प्रदेश से दिल्ली से भी टीमें यहाँ पहुँची और पहला टाइम आउट लिया है शिखर ने यहाँ पे कुछ गाइडेंस कोच द्वारा आदित्य जी कुछ गाइडेंस दे रहे हैं रेड पे चले फिर से नौ नंबर जर्सी में शिखर की सुपर स्टार नौ नंबर जर्सी में मौके की नज़ाकत और उसी की तलाश दाएं कॉर्नर पे टारगेट बनाने की कोशिश मगर आसान नहीं क्योंकि छह का डिफेंस है और बोनस का प्रयास किया अर्जित भी किया आसमान में बादल मंडराए हुए कहीं फिर से बारिश ना आ जाए अगर बारिश आती है तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी खेल फिर शुरू होना इतना आसान नहीं होगा लेकिन यही कामना करते हैं कि बारिश ना आए तो ही बेहतर है कुछ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे एक पॉइंट अर्जित किया फिर से बेहतरीन रेड के दम पे और फिर से वही रेड पे स्कोर हुआ अंबे स्पोर्ट्स क्लब 7
और एआरजी का स्कोर 4-7 का स्कोर 3 पॉइंटों से अंबे स्पोर्ट्स क्लब बहादुरगढ़ की टीम आगे है। अंबे बहादुरगढ़ बढ़त पे अंबे स्पोर्ट्स क्लब, और यहां पे लीजिए गुलाटी खाते हुए एक पॉइंट अर्जित किया एआरजी शिखर ने। बढ़त को कम करने की कोशिश, पहले आपका खेल निर्णायक के रूप में राजेंद्र राहू जी, और यहाँ पे सेल्फ आउट एक पॉइंट, वन पॉइंट अंबे क्लब परिवर्तन के तौर पे आई आरजे की तरफ से राइट लेटर 4 नंबर राइट कॉर्नर पर टक का प्रयास अंबे बहादुरगढ़ मजबूत है के सामने, दोनों ही टीमें अच्छी टीमें, स्प्रिंकलिंग कुछ छुटपुट फुहारे लेकिन अभी बारिश नहीं है। फिर से अंबे क्लब की ओर से लेफ्ट रेडर बहुत ही शानदार रेडर है, और ये देखिए युवा स्टार द्वारा एक और बेहतरीन रेड और वन पॉइंट अंबे क्लब, अंबे क्लब का स्कोर 9 एआरजी 5 10 अंकों के करीब 9 4 अंकों की बढ़त गया बोनस टू रेडर बोनस के साथ एक इसी अंक बोनस के सारे स्कोर हुआ सुपर टेकल एआरजी 6 अंबे क्लब 9 सुपर टेकल से बाहर आना होगा नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऑल आउट यहाँ पे जल्दी नजर आएगा क्योंकि यहाँ एक और पॉइंट अर्जित किया है किया, लेकिन रेडर सफल अंतिम बाली का पॉइंट अंबे क्लब, यदि ऑल आउट करता है तो फिर बड़ी बढ़त होगी। पहले यहाँ पर बोनस को छोड़ दिया खुला करीब 6.5 मिनट का खेल, बढ़त इस समय अंबे बहादुरगढ़ के पास पर किक का प्रयास और रनिंग टच करने का प्रयास, पूरे डिफेंस को पीछे गया और शानदार, और यहाँ पे सफल नहीं बहुत स्टोर जीत किया लेकिन ऑल आउट एआरजी 3 पॉइंट 2-3-4 बहादुरगढ़ के गढ़ में अंबे क्लब, और ये देखिए 7 मिनट के खेल में ऑल आउट किया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन स्कोर बहादुर मालिक का एआरजी 7 6 अंकों की राइट रेडर बेशकीमती लीड काफी शानदार रेडर रनिंग बैक किक लगाने का प्रयास गलती से बचने की कोशिश लीजिए इसी के साथ मध्यांतर का समय पर स्कोर हुआ अंबे क्लब 13 एआरजी 7 क्योंकि प्राकृतिक आपदा फिर से खेल शुरू दूसरे हाफ का और इस मैच में जो टीम जीतेगी और यहां अच्छा कार्य किया है बहादुरगढ़ ने, एक बात तो लग रहा था गलती करा बहुत सर्जित किया फाइनल मैच अब कराओगे सुबह कराओगे सुबह और फाइनल मैच कब करवाओगे पॉइंट यहां मिलना चाहिए बोनस के साथ शानदार रेड 2 पॉइंट कुल मिलाकर एक बार फिर से एआरजे शिखर रेड पे बैकफुट पे है दबाव बहुत ज्यादा शिखर के ऊपर बोनस जरूर अर्जित किया लेकिन बढ़त बरकरार है इस वक्त अंबे बहादुरगढ़ की बारिश की बूंदें कुछ गिरते हुई लेकिन खेल कंटिन्यू जारी नौकरी मिल जाए सरकारी जीत की किसकी है बारी बहादुरगढ़ ही लगता है जीत की मंजिल तक जाएगा अभी तक का खेल तो यही कह रहा बाकी अनिश्चितताओं का खेल कहना मुश्किल है। एक पॉइंट शिखर ने फिर से अर्जित किया है ये युवा स्टार और बेहतरीन रेडर के रूप में पेश आई है इस मैच में पूरा 30 सेकंड का समय लेना चाहेंगे लेकिन बारिश यहाँ चिंता का विषय बनता हुआ अगर बारिश नहीं आता है तो फाइनल मैच आज ही खेला जाएगा बारिश यदि आएगी तो फिर मॉर्निंग में होगा फिर फाइनल बोनस अर्जित किया बारिश की बुनियाद हालांकि बारिश ज़्यादा नहीं है बादल यदि छट जाएं तो फिर मैच जारी रहेगा एक और अंक शिखर की शिखर में कुछ हद तक तो वापसी की है 5 अंक की बढ़त अभी भी बरकरार 11-16 स्कोर
अंबे बहादुरगढ़ के पास 5 अंक की बढ़त है। क्या बढ़त बरकरार रख पाएगा या फिर शिखर मैच में वापस नजर आएगा, कहना मुश्किल। खामोश होता हुआ इस समय दर्शक दीर्घा, क्योंकि बारिश से चिंता का विषय बन गया है। बूंदाबांदी लक्ष्य तक पहुंचता हुआ शिखर 2 पॉइंट के साथ, 2 पॉइंट अर्जित किए, बढ़त को कम किया आरजी की टीम ने। 13-16 का स्कोर, 13-16 पॉइंटों से अंबे स्पोर्ट्स क्लब की टीम आगे चलती हुई। सिर्फ 3 अंक की बढ़त है। आरजी की टीम ने भी बिल्कुल वापसी की है। नरेंद्र कौल साहब की अगुवाई में चौका मारते हुए वापसी की है और एक और मिलना चाहिए। लीजिए बहादुरगढ़ के खाते में अब 4 अंकों की बढ़त हो चुकी है। फिर से दूसरे आपका खेल तेजी से आगे बढ़ता हुआ, अब ज्यादा समय नहीं है। और यहाँ अच्छा कार्य किया लेकिन गलती करता हुआ लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचकर रेफरी का इशारा कि पहुंच गए। 2 पॉइंट अर्जित किए हैं शिखर ने, इसी के साथ शिखर ने टाइम आउट लिया है। लीजिए ये बेहतरीन स्टार हैं, यंग स्टार उभरती हुई देवान खिलाड़ी। अंतिम 3 मिनट का खेल बाकी और लीजिए घेर लिया चारों दिशाओं से शिखर वापस आता हुआ मैच में। अंतिम बाली का ऑल आउट का खतरा, लीजिए 3 पॉइंट यहां पे इसी के साथ शिखर की झोले में। जबरदस्त कमबैक शिखर द्वारा कैच किया है लेकिन लक्ष्य तक पहुंचता हुआ अंबे बहादुरगढ़ के पास बची है सिर्फ 1 अंक की बढ़त। 18-19 का स्कोर, ग्रेट कमबैक शिखर एआरजी बहादुरगढ़ के सामने। यहां लीजिए स्कोर फिर से लेवल 19-19 और कैच करता हुआ यहां पे शिखर और बढ़त पे पहली बार शिखर 19-20 यानी मामूली अंतर जिसे कहते हैं 19-20 लेकिन बढ़त है वो शिखर की है पहली बार। दूसरे हाफ में और 2 मिनट का समय बाकी लेकिन यहां कैच किया है स्कोर लेवल होता हुआ 20-20 और यहां पे कैच किया है 23-19 का स्कोर। 4 पॉइंट से एजीआर की टीम के साथ शिखर बढ़त पे एक बार फिर से पॉइंट को जोड़ दियो। दो लक्की केस लाग गयी रे बहुत ही अच्छा समय बहुत कम बचा है। अंतिम 1 मिनट का समय बाकी और वहां पे सेल्फ आउट हो गई एक बालिका शिखर की। बहादुरगढ़ के खाते में 1 अंक जरूर आया है। अब देखते हैं 20-23 का स्कोर की टीम इस समय आगे चलती हुई। नरेंद्र कौल साहब के स्टूडेंट इस समय इस मैच में आगे चलती हुई। ये संभवतः अंतिम रेड होना चाहिए। कैच करने की कोशिश आ रहे हुआ और यहाँ पे थाम लिया शिखर की झोले में ये एक 7 बजे जोया बजरंग धाम पर पहुंचे वहां से आप सभी को सतलंग पंचायत घर तक मैराथन दूर होगी उसके लिए आप सभी को पहुंचे आप कल सुबह 7 बजे। समय व्यतीत करता हुआ शिखर क्योंकि बढ़त पे है और जीत लगभग तय नजर आ रही है क्योंकि ये शायद अंतिम रेड होगा। लीजिए इसी के साथ खेल खत्म और मैच एआरजी शिखर ने जीत लिया है। अंबे बहादुरगढ़ को पराजित करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। बहुत ही शानदार खेल दिखाया वापसी करते हुए और सेमीफाइनल में पहुंचता हुआ इसी के साथ एआरजी शिखर। Is that it?